पूर्व जिला पंचायत सदस्य और बब्बर सेना के अध्यक्ष डालचंद उर्फ डाली दमाहे को महाशिवरात्रि के एक दिन पूर्व शिव बारात में हुए विवाद के चलते रात्रि करीब 11:30 बजे चाकू से हमला कर घायल कर दिया था, जिसकी 3 मार्च की दोपहर करीब 1:30 बजे गोंदिया के निजी अस्पताल में मौत हो गई थी। मौत की सूचना लोगों तक पहुँचने के बाद उनके समर्थक और लोधी समाज में आक्रोश फूट पड़ा। 4 मार्च को डाली दमाहे के गृह ग्राम कोसमी में सुबह से सामाजिक और उनके चाहने वाले और जनप्रतिनिधियों का आना जाना लगा रहा, जिसके बाद दोपहर करीब 12:15 पर उनके शव को अंतिम संस्कार के लिए शव यात्रा कोसमी से निकाली गई, जो पीपल चौक होते हुए बंदर झीरिया के मरकट बाबा स्थल पर पहुंची। इस दौरान कोसमी चौक पर भारी पुलिस बल की तैनाती रही, साथ ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी द्वारा कोई अप्रिय घटना न हो जिसके लिए मोर्चा संभाले हुए नजर आए, और इसी पुलिस छावनी के बीच डाली दमाहे का गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। इनके अंतिम शव यात्रा में पूर्व सांसद कंकर मुंजारे, परसवाड़ा के पूर्व विधायक मधु भगत, अखिल भारतीय लोधी महासभा जिला अध्यक्ष उमेद लिल्हारे, पूर्व सहकारी केंद्रीय बैंक अध्यक्ष उदय सिंह नकपुरे, सामाजिक कार्यकर्ता राजा लिल्हारे, जितेंद्र मोहारे, गगन नकपुरे, ओमकार माहुले समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, EMS TV, बालाघाट। EMS TV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS News App डाउनलोड करें।